पांचवें दिन जमुई जिला के 4 विधानसभा सीट से 2 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के नामांकन के पांचवें दिन जमुई जिला के 4 विधानसभा सीट से 2 प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें चकाई विधानसभा 243 सीट से बहुजन मुक्ति पार्टी के अमरेंद्र कुमार ने नामांकन किया, जबकि झाझा विधानसभा 243 सीट से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले नरेश यादव ने नामांकन पत्र भरा। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार की बात हो या भारत की, जो भी राजनीतिक पार्टियां समाज के मुद्दे को नहीं उठाती, जिस समाज के वोट से वह सांसद विधायक बनते हैं, वो समाज के प्रति जागरूक और उत्तरदायी नहीं है नहीं बनते, उसी सोच के तहत इस पार्टी का निर्माण स्तर पर किया गया है। देखिए बिहार के जमुई से लकी अली की यह रिपोर्ट। जो भी भारत में कहिए या बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो समाज के मुद्दे को नहीं उठाती। इस समाज से जिसके वोट पे वो सांसद विधायक बनते हैं, उस समाज के प्रति कभी वे जागरूक और उत्तरदायी नहीं होते। उसी सोच के तहत इस पार्टी का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पे किया गया है। लोकसभा में भी ये पार्टी 432 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पे अपनी प्रत्याशी उतारे थे, भले कहीं भी सफलता नहीं मिली, उसी के तहत हम जो है इस पार्टी को ज्वाइन करके और समाज की जो समस्या है उसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के बीच जाइएगा तो क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी क्षेत्र में व्यापक समस्याएं हैं, विकास के नाम पर जो लूट खसोट, विधायक योजना में कमीशन खोरी और अनेक प्रकार का जो भी भ्रष्टाचार है, उन समस्याओं को हम उजागर करके समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भारत में निर्वाचक नामावली में मतदाता बन सकता है जो भारत का नागरिक ना हो? नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत के निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने वाला भी पंजीकरण हेतु पात्र नहीं है। क्या कोई अनिवासी भारतीय जो विदेश में बस गया हो भारत की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक बन सकता है? वो भारतीय नागरिक जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं स्वीकार की है, भारत में उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, जिसमें उसके पासपोर्ट के अनुसार उसका निवास स्थान पड़ता है।